ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली को 20 जून के बाद स्पुतनिक की खुराक मिलना शुरू हो जाएगी। पहले इसकी मात्रा सीमित रहेगी, लेकिन जब अगस्त से भारत में इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा तो वैक्सीन की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ये जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि केंद्र सरकार को वैक्सीन खरीद कर राज्य को देना चाहिए। वैक्सीन खरीदना केंद्र की जिम्मेदारी है, जबकि राज्य सरकार टीकाकरण करवाती है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जितनी जल्दी और जितने लोगों का टीकाकरण होगा उतनी ही लोगों की जान बच सकेगी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली ने ग्लोबल टेंडर भी जारी किया है। 20 जून के बाद डॉक्टर रेड्डीज लैब से स्पुतनिक वैक्सीन की कुछ डोज देने का आश्वासन भी मिला है। रेड्डीज लैब ने इस समय विदेशों से वैक्सीन का आयात कर रही है। यह संभवतः अगस्त में भारत में उत्पादन शुरू करेगी। इस बीच वह वैक्सीन का एक हिस्सा दिल्ली को उतना ही देते रहेंगे जितना वह आयात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1.5 महीने हो गए हैं जब केंद्र सरकार ने कहा था कि सभी राज्य अपने स्तर पर वैक्सीन को खरीदेंगे। राज्यों ने वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किया, लेकिन अभी तक एक भी राज्य वैक्सीन अपने स्तर पर लाने में कामयाब नहीं हो पाया है। राज्य सरकारें स्पष्ट रूप से वैक्सीन नहीं खरीद सकती है और ये काम केवल केंद्र सरकार को ही करना होगा। केंद्र सरकार को दुनिया भर से वैक्सीन खरीदनी चाहिए, साथ ही केंद्र को देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन कर राज्य सरकारों को भी देना चाहिए। इसके बाद अगर लोग वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की होगी, और यदि राज्य समुचित व्यवस्था नहीं करते हैं तो ये जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।